क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आपकी मॉम सो गई जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। आपके घर गया था आज मैं। क्यों? आपकी भाभी ने बुलाया था, वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मैं आपको डिवोर्स दे दूं। आपने क्या जवाब दिया? कंफ्यूज्ड हूँ इस सिचुएशन में, क्या करूं क्या कहूं, आई डोंट नो। मेरे घर वाले जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दें। क्या आप भी ये चाहते हैं? मेरे पास ऐसा ना चाहने की कोई रीजन नहीं है, और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट आपने अपनी सेफ्टी के लिए बनवाया था। हाँ, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आप अपनी मॉम को कैसे सच बताएंगे। अजान साहब, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकती हूँ, आपकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा इस तरह इस घर में रहना बहुत नामुनासिब बात है। आपकी मॉम और भाभी आपकी शादी कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, जहाँ रहे अपने घर में इज्जत से रहे, और इस घर में मेरी क्या हैसियत है, मेरी मॉम से बेहतर और कौन जानता होगा। पुरानी बातें याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा वो मकसद बिल्कुल नहीं था, मैं सिर्फ आपको हकीकत बता रही हूँ। देखें, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम की खातिर हम इस रिश्ते को कायम रखें। कब तक? हमेशा के लिए। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, शनाया के जाने के बाद प्यार का चैप्टर मेरी जिंदगी में क्लोज हो चुका है, लेकिन आपसे ये वादा करता हूँ कि एज योर हस्बैंड मैं अपनी सारी ड्यूटीज कंप्लीट करूँगा, आपकी सारी जरूरियात पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस। आप मसलतन खुद को मजबूर कर रहे हैं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते अजान साहब। आपको मुझसे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, सिर्फ अपनी मॉम की खातिर आप मुझे इस रिश्ते में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अजान साहब, आइंदा से मुझसे आप ऐसी बात नहीं करेंगे, ये आपके लिए मजबूरी होगी, मेरे लिए नहीं। बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द तलाक के कागजात भिजवाइए, ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए।